हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे जो हमारा विंडोज़ 8 में स्टार्ट मेनू है उसका जो ये बैकग्राउंड है आप किस तरह डेस्कटॉप के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरा डेस्कटॉप का जो कलर है वो येलो है, तो मेरा जो स्टार्ट मेनू है उसका बैकग्राउंड भी येलो है, यानी कि जो बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का वही स्टार्ट मेनू का बैकग्राउंड है। तो इसको आप किस तरह सेट कर सकते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या, आपको करना है टास्क बार पे राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और आपको जाना है नेविगेशन ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा शो माय डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑन स्टार्ट। तो जो स्टार्ट मेनू है उसमें जो भी डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होगा वो शो होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे बंद कर देते हैं, यानी ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो अब हमारा स्टार्ट मेनू है उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है। तो इस तरह आप उसे डेस्कटॉप के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको टास्क बार की नेविगेशन में जाके, और ये चेकबॉक्स ऑन कर देना है शो माय डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑन स्टार्ट, ओके कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो डेस्कटॉप के ही हिसाब से। तो इस तरह आप उसे बदल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।